झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। लेकिन उन्हें यूनिफॉर्म भी दिया गया, कई उसमें ये भी था कि हम लोग आर्म नहीं देंगे, बहुत सारे लोगों से वो भी कराया गया, तो किस हद तक वो सही है, क्या लग रहा है, कब तक उनकी जो मांग है वो पूरी हो सकती है? देखिए, आप पहले उनका जो अनुबंध था उसे अच्छी तरह से देख लें कि जो अनुबंध उन्होंने किया था पिछली सरकार से, उन्हें 3 साल की ही सेवा दी गई थी और 3 साल के बाद स्वतः समाप्त सेवा हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बंध पत्र में हस्ताक्षर किया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से राज्य के युवाओं के प्रति, बेरोजगारों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं और हमने लगभग उनकी बातों को, जो भी था उनकी बातें, उनको मान ली थी। उसके बाद भी आंदोलनरत रहे वो, हमने कमेटी बनवा दी, 5 सदस्यीय कमेटी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बनवा दी और इन्हें सेवा में निरंतर रहने का अवसर दिया और आज तक ये सेवा में है। इसके बाद आज विपरीत परिस्थितियों में, आज कोविड का काल चल रहा है और ये आकर इस तरह से यहाँ हुजूम लगा रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है। अपनी बातें इन्हें चरणबद्ध तरीके से रखनी चाहिए थी, इनके प्रतिनिधि मंडल आने चाहिए थे, उनको बात करनी चाहिए थी, उनको वो बात करते, अपना ज्ञापन देते, उसके बाद आगे बात होती। ये अचानक से आकर ये भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में पिछली बार भी ये आकर इस तरह का काम किया और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हें बहका कर और यहाँ बिठाए हुए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से इन लोगों को कि अपने काम पर जाएं, सरकार इनके प्रति संवेदनशील है और इनको इनका हक मिलेगा और निरंतर ये अभी सेवा दे रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं उस सेवा में अभी त्यौहार का माहौल है, त्यौहार का समय है, अभी इनको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सर, बीजेपी की सरकार में ही एक चीज किया गया था, लेकिन बीजेपी के ही प्रतिनिधि अब जाकर के राज्यपाल से को ज्ञापन सौंप रहे हैं सहायक पुलिस कर्मी के लिए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कह तो रहे हैं कि ये सारा राज्य को उलझा कर रख दिया था, पूरे व्यवस्था को, सारी चीजों को पिछली सरकार ने उलझा कर सिर्फ रख दिया। ये इनकी जो बहाली हुई थी, अभी चुनावी बहाली थी इनकी, कि हमारे 10,000 फोर्स मिल जाएंगे हमारे चुनाव में हमें मदद करने के लिए, लेकिन जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया। हम राज्य के सभी वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशील हैं, चाहे किसान हो, हमारे छात्र हो, हमारे युवा बेरोजगार हो, सभी लोगों के प्रति हम संवेदनशील हैं और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार उनका हक अधिकार मिलेगा। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।